देख सकते हैं ये है 400 साल पुराना या 200 साल पुराना, बहुत पुराना मंदिर है और ये गुफा के अंदर है। फाइनली गाइस हम आ गए हैं और हमें और चल के जाना है 3-4 किलोमीटर दूर तक, हमें चल के ही जाना है। बहुत सारे पहाड़ है, देख सकते हो चार और जंगली जंगल है, बहुत सारे पेड़ है देख सकते हैं आप गाइस, और हमें से 4-5 किलोमीटर कर चल कर जाना है वहाँ पर। गाड़ी नहीं जा सकती, हमको चल ही चल के ही जाना पड़ेगा। तो गाइस हम सारे फैमिली मेम्बर आए हैं यहाँ पे दर्शन कर लेने। धरती माता का मंदिर है यहाँ पे पहाड़ों के बीचों बीच, और चारों ओर ही जंगल ही जंगल है, कोई दूर दूर तक आपको घर या कुछ नहीं मिलेगा। देख सकते हो गाइस हम सारी फैमिली आई है, ये पीछे लोग आ रहे हैं और ये मेरा भाई आगे जा रहा है, ये हमारा यारू। अरु हेलो गाइस, इनके की क्या अच्छी यारू। ये मंदिर है, ये सब बोलते हैं यहाँ पे लाडवा भगवान के, इनको बोलते हैं। यहाँ पे पत्थर है जो गोल गोल है, बहुत पुराना मंदिर है ये फर्स्ट है। जो कि जंगल की वो है ना, जंगल जंगल है ने। ये पहले ये आ गए हम पहले टेंपल जंगल के बीच, देख सकते हो चार और जंगल ही जंगल है। हाँ लाडवा बापसी टेम्पल, लाडवा बापसी तने लाडवा है ने। लाडवा बापसी पहला दीवार कब दियो। यहाँ पे दर्शन हो गए और फिर हमें जाना है यहाँ पे। और ये हम जा रहे हैं, अरु खाएंगे क्या अरु। यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है और यहाँ पे कोई भी सिम का नेटवर्क नहीं आता है। सौ साल पुराना टेम्पल देखने के लिए जा रहे हैं हम। आप सभी आना चाहते हो तो आ सकते हैं यहाँ पे। जब बारिश होती है तब ये रास्ता बंद होता है और हमें पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ता है। अभी यहाँ पे पानी नहीं है इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। जंगल के बीचों बीच आ गए हैं हम, देख सकते हैं आप पहाड़ों के बीचों बीच। Ah!
चल के यहाँ पे आ गए। ये यारू और भाई पीछे आ रहे हैं, देखो ये चारों ओर पहाड़ है और हम थक गए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे, बैठेंगे और फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे आ गया छोटा सा झरना। ओह देख सकते कैसे चढ़ना पड़ता है यहाँ पे। बारिश के मौसम में यहाँ से बहुत बड़ा झरना होता है, पर अभी पानी कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है पानी। नानू बैठा जा नानू जा जा। साली पलड़ी जा। जी आजी नेजी है। नहीं चढ़ पाई इसलिए मैं पानी के अंदर से चल के आई। सोना नहीं भैया। तो यहाँ पे कभी साड़ी पहन के मत आना क्योंकि यहाँ पे बहुत पहाड़ों को उतर। देख सकते हैं यहाँ पे ये घोड़े का पैर है, बहुत पुराने साल की कथा कह रही है। घोड़े का पैर है 100 साल पुराना। देख सकते हाँ यहाँ पे दिख रहा है ये छेद, वहाँ पे महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े पे से यहाँ पे ध्वजा होती है ना ध्वज वो डाला था महाराणा प्रताप ने। तो यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ता है, बहुत पहाड़ों को जाना पड़ता है, पर हम यहाँ से नीचे से जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पानी भी जा रहा है। सावधानी से तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी है और ये ऊपर से पानी आ रहा है। यहाँ पे झरना होता है बारिश के मौसम में, बहुत सुंदर नज़ारा होता है, पर अभी पानी कम है इसलिए थोड़ा कम कम पानी दिख रहा है। और यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है, खतरनाक रास्ता है यहाँ पे, तो देख के ही चलना। देख सकते हैं कैसे पहाड़ों के बीच आ गए हैं हम यहाँ पे। क्या बोलते फाइनली हम आ गए और 1 किलोमीटर और जाना है। सजू को तो जाना है, चारों ओर जंगल ही जंगल है।
इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है और बीचों बीच है, हम देख सकते हैं ये हमें छोटी सी नदी है। अभी पानी नहीं है, नहीं तो ये रास्ता बंद होता है, नहीं तो हम उसको पहाड़ के ऊपर से आना पड़ता है। सब शांत 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 है, जो भी मानता हम मानते हैं यहाँ पे सब पूरी होती है। यहाँ पे ये टेंपल है पहाड़ों के बीच, बहुत कठिनाई है रास्ते में, बड़े बड़े पत्थर है, एक सकते है। वो लोग रहे हमारे वहां बेल्ट गए है, और लोग पीछे आ रहे हैं। हम आ गए हैं हमारी मंजिल पे, एक बहुत सारी कठिनाई पार करके हमारे टेम्पल दीपा मच्छी मैं कल भाई कल दे पहले यहाँ पे ये मंदिर नहीं था, ये गुफा में छोटी सी मूर्ति है वहाँ पे पूजा होती थी। अभी ये न्यू मंदिर बना है, देख सकते हैं आप चारों ओर, अंदर जाना पड़ता है। सौ साल या 200 साल या 300 साल या 150 साल किसको पता कितना साल पुराना ये गुफा है, और ये गुफा के अंदर ये मंदिर है, देख सकते हो अंदर मंदिर पूरा अंदर गुफा के अंदर है, और गुफा के अंदर हम जा भी सकते हैं अंदर आगे तक, पर वो रास्ता कहाँ जाता है किसी को भी नहीं पता, देख सकते हैं अंदर है, और ये देख सकते हैं आप चेयर और गुफा है, गुफा है। देख सकते हैं ये अंदर तक, ये दिख रहा होगा जहाँ पे जहाँ लाइट जा रही है वहाँ वहाँ तक दिख रहा है, और ये मूर्ति यहाँ पे असली मूर्ति है, यही की पूजा होती है, और ये अंदर देख सकते हैं पहाड़ी यहाँ पे अंदर भी जा सकते हैं हम, पर हाथ तक कोई जा नहीं है। देखा है मोबाइल
और ये मंदिर न्यू बना ये है और ये देख सकते हो पीछे ये अंदर गुफा है ये बहुत छोड़ दिल के बाद फाइनली हम वापस जा रहे हैं घर पे बाय बाय। हम जा रहे हैं फिर से घर पे अपने, फिर से चलते चलते 3 किलोमीटर चल के जाना है पहाड़ों में, फिर से बहुत सारी कठिनाइयों का पार करना है हम सभी को। हम अब जा रहे हैं घर पे। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।